अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी आज मैं आप सबकी रेसिपी लेके आई हूँ चिकन विंग्स, और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनने वाले हैं KFC स्टाइल में। तो इसको बनाने के लिए मैं सबसे पहले इनका जो कलर है वो थोड़ा चेंज होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रेड होते हैं जब इन्हें हम लेते हैं, तो अभी बहुत ज़्यादा रेड है, खून लगा हुआ है। तो इसके लिए मैंने बॉल में डाल के इसको थोड़ा सा नमक डालूँगी, 1/2 टीस्पून, और उसके बाद इसके अंदर ऐड करूँगी विनीगर 1 टेबल स्पून, और अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी पानी। इतना पानी डाल लें कि जो चिकन है वो डिप हो जाए। इसको अब मैं 30 मिनट या 40 मिनट के लिए रख दूंगी, इससे ज़्यादा नहीं रखेंगे। और जब हम इसका कवर उतारेंगे तो देखना आप, इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो मैं इसको कवर करके साइड पे रख दूंगी। थर्टी मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि चिकन का कलर बिल्कुल सही से चेंज हो गया है। तो अब मैं इसका जो पानी है, ये वाला जो मैंने डाला था सिरका और नमक वाला पानी, वो अब मैं उतार लूँगी और एक दफ़ा साफ़ पानी से धो लूँगी। तो इसका ये पानी उतार लेती हूँ मैं पहले। यहाँ पे मैंने ले लिया है दही, फुल थिक दही है, क्रीमी। तो ये मैंने ले लिया है 1/2 प्याली, 3 टेबल स्पून दही है ये। उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी 1/4 टीस्पून नमक और 1/4 टीस्पून ही लाल मिर्च पाउडर। उसके बाद ब्लैक पेपर 1/3 टीस्पून। लाल मिर्च पाउडर इसलिए थोड़ा डाला है क्योंकि हम ब्लैक पेपर भी डाल रहे हैं। और सूखा धनिया पाउडर ले लिया मैंने 1 टीस्पून। सारे स्पाइसेस मैं इसमें ऐड कर दूंगी और फिर इसको मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ विनीगर 1 टेबल स्पून, और 1 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड कर लूँगी सोया सॉस। अब मैं इसके अंदर चिकन ऐड कर लेती हूँ और मसाला सबको अच्छे से लगाएंगे। मैरिनेशन ही एक अहम चीज़ है जिसके लिए हमें अच्छे स्पाइसेस अच्छे तरीके से डले हों, तो हमारे जो विंग्स हैं वो भी बहुत अच्छे बनते हैं। तो मैं इनको अच्छे से पहले एक दफ़ा हाथ से मिक्स कर लेती हूँ। इसको कवर करके रख दूँगी 25 से 30 मिनट के लिए। तो 25 से 30 मिनट के बाद देखते हैं। चिकन को मैंने रख दिया था 1 से 1.5 घंटे के लिए फ्रिज में, ताकि जो मसाला अच्छे से रच जाए। तो अब मैं इसकी कोटिंग के लिए ले लूँगी मैदा और साथ में पानी। तो बड़े बोल में आप मैदा लें ताकि जो चिकन है वो उसको अच्छे से कोटिंग हो सके। तो सबसे पहले चिकन को मैदा लगा लेंगे एक दफ़ा। KFC स्टाइल में बनाने के लिए बिल्कुल यही टिप इस्तेमाल करें तो बहुत क्रंची चिकन विंग्स बनेंगे। तो इसको लगा के मैदा एक दफ़ा ऐसे झाड़ना है, फिर पानी में डिप करना है। इस तरह सबको कर लेते हैं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। अब पानी में से निकाल के मैं दोबारा इसके ऊपर मैदा लगाऊंगी और थोड़ा ज़ोर से लगाएंगे मसल के, ताकि जो मैदा है वो अच्छे से सारा चिकन को लग जाए हर साइड पे, ताकि जो KFC स्टाइल के क्रंची चिकन विंग्स होते हैं वैसे क्रंची क्रंची ये बने। तो इसको झाड़ेंगे और फिर ये प्लेट में रख लेंगे, और आप सब देख भी सकते हैं किस तरह ऊपर जो क्रंची पन है वो बना हुआ है। इस तरह का हमें बस चाहिए। तो ये देखें कितने ज़बरदस्त से क्रंची क्रंची ऊपर मैदा लग गया, और जब हम इसको फ्राई करेंगे ना तो बिल्कुल KFC स्टाइल के ही बनेंगे ये। यहाँ पे मैंने घी लिया जिसको मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है। घी गर्म होना चाहिए फिर इसके अंदर हमने विंग्स ऐड करने हैं, वरना जो हमारे चिकन विंग्स हैं वो क्रंची तो बनेंगे लेकिन सख्त हो जाएगा उनका, ऊपर जो हमने मैदा लगाया है वो सख्त हो जाएगा, तो वो क्रंची नहीं लगेगा। तो इसलिए हमें मीडियम फ्लेम रखनी है, लेकिन घी पहले से ही गर्म होना चाहिए फुल। और अब मैं इसको रख दूँगी, और हमने इसको हिलाना बिल्कुल भी नहीं है, इसी तरह बस इसको कुक होने देना है मीडियम फ्लेम पर। अच्छा, हमने ये भी ध्यान रखना है कि हमने इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना कि ये ब्राउन हो जाए,
और हम तब इसको निकालें, हमने बिल्कुल लाइट कलर में इसको बाहर निकालना है ऑयल से, ताकि इसका कलर सही रहे, क्योंकि हम जब इसको निकाल देंगे तो बाद में इसका आहिस्ता आहिस्ता कलर खुद ही डार्क हो जाता है। जी यहाँ पे हमारे KFC स्टाइल चिकन विंग्स बिल्कुल तैयार हैं, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और यमी से लग रहे हैं। तो चलिए इसको टेस्ट करके मैं आप सबको बताती हूँ कि ये कैसे बने हैं। डिलीशियस, काफ़ी अच्छे बने हैं, तो आप सब इसको ज़रूर ट्राई करें। मेरा दिल तो चाह रहा है मैं भी खाने लग जाऊँ, तो मैं तो अब इसको इन्जॉय करूँगी, तो आप सब भी जाकर इन्जॉय करें, खाएं, अपनी फैमिली के साथ भी इन्जॉय करें। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अगली रेसिपी के साथ मैं आप सबके साथ मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।